जिनेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:08 हुई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी। सीधा हम लोग मार्केट की तरफ एक बार रुख कर लेते हैं, क्या हुआ आज मार्केट में। इक्विटी मार्केट 655 का क्लोजिंग आया, यानी कि 680 से नीचे आज भी क्लोजिंग आया। जो मैंने एक लेवल दिया था 680, मार्केट उसको टपा नहीं पाया। और वैसे भी मैंने स्टॉप लॉस आपको 777 दिया है, और जो कमज़ोर लोग हैं उनका 680 के ऊपर क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी आपके सामने 39,666, जो कि कल 800 के ऊपर क्लोज हुई थी, 150 पॉइंट से ज़्यादा माइनस, और उसका ब्रेकआउट अभी तो धरा का धरा रह गया। चलिए सीधा हम चार्ट पे जाते हो। निफ्टी में आप देखिए क्लियर कट एक डोज स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। इसको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। क्लियरली एक बियरिश स्पिनिंग टॉप बनी है लास्ट कैंडल जो है, तो ये एक रिवर्सल कैंडल है और टॉप पे बनी है, अभी तक के टॉप पे बनी है। तो ये और इंटरेस्टिंगली देखिए 777 का जो टॉप था 30 अगस्त का, वो आज ब्रीच नहीं हुआ क्योंकि 765 का टॉप है, तो ये टॉप एज इट इज़ रह गया। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सीधा इसके नीचे आ जाएं 400। और ये जो लाइन है 17,100 की लाइन, मुझे लगता है थर्सडे तक या फ्राइडे तक छू देगा मार्केट। 50 EMA जो निफ्टी का है वो 17,100 है, या तो थर्सडे तक आ जाएगा या फ्राइडे तक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बियरिश ही बात कर रहा है, मैं क्लियरली बियरिश हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज एक रिवर्सल का कैंडल बना, तो कल 90% है कल इसके नीचे क्लोज आएगा, आज के लो के नीचे। बैंक निफ्टी यहाँ देखिए, ये ब्रेकआउट का ऊपर से एक बढ़िया रेड कैंडल दे दिया। और डाइवर्जेंस जो मैंने कल बताया था वो आज भी बता देता हूँ। देखिए क्लियरली डाइवर्जेंस देखिए और प्राइस देखिए, ये प्राइस, ये डाइवर्जेंस, तो ये अपने आप में सिग्नल है बॉस, ये नीचे आएगा ही। मुझे गुरुवार तक ये लेवल दिख रहा है 38,500 गुरुवार तक, थर्सडे तक, और कल हो सकता है ये जो सिग्नल दे रहा है ये हो सकता है कल इवनिंग स्टार भी बना दे। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, तीन कैंडल से बनता है, ये पहली वाइट कैंडल, बीच में एक रेड कैंडल छोटी सी, छोटी बॉडी वाली, और एक ऐसे ही इसकी सिमिलर साइज की रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल। तो कल बैंक निफ्टी में आपको मैं एडवांस में बता देता हूँ, कल का लो रहेगा 39,400 के नीचे लो बनाएगा कल, ऐसा एक रेड कैंडल बनेगा। तो ये तीन कैंडल से इवनिंग स्टार बनेगा और फिर और नीचे स्टार्ट। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं, एक डाटा मैंने निकाल रखा आज का, तो वो एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। ये डाटा आ चुका है, तो यहाँ फिर से मैंने जैसा सोचा था भगवान ने वैसा ही, तो सुबह मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाया था मेरे दोस्त के साथ जो बातचीत हुई, तो आपने देखा होगा कि वही चीज़ हुआ कि कल उन्होंने नौटंकी की थी और आज वापस वही पोजीशन खड़ी कर ली। देखिए देखिए आज क्या हुआ, क्लाइंट समरी दिखाता हूँ, क्लाइंट ने क्या किया देखिए। स्टॉक फ्यूचर में 8,300 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, इंडेक्स फ्यूचर में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, इंडेक्स कॉल 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया, पुट को 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, यानी कि ये भी बुलिश हो गया। पुट को शॉर्ट करने का मतलब बुलिश, मतलब तेजी में, तो क्लाइंट पूरा तेजी में गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कल का दिन हो सकता है 300 से 500 पॉइंट वाला भी हो जाए, जो बहुत दिन से इंतज़ार था, 300 टू 500 पॉइंट्स वाला डे कल हो सकता है। अब FIs को देखिए, स्टॉक फ्यूचर 9,800 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए, इंडेक्स फ्यूचर 11,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे,
इंडेक्स कॉल 21,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे और इंडेक्स पुट 55,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। वेरी गुड, फुल्ली बियरिश, फुल्ली बियरिश, फुल्ली बुलिश, यानी कि मुर्गा या बकरा, इसको आप मुर्गा या बकरा बोलते हैं क्लाइंट को, तो वो पूरी तरह बियरिश गया। और ये कसाई या स्मार्ट मनी ऑफ मार्केट या कसाई जो इनको लूटने के लिए बैठा है क्लाइंट को, वो पूरी तरह से बियरिश गया और क्लाइंट पूरी तरह, अब जो डेप्यूटी कसाई है या डेप्यूटी स्मार्ट मनी है, उसने क्या किया, प्रो, उसने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाई किया, इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा बाई किया, लेकिन इंडेक्स कॉल 142,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे भाई साहब, 142,000 कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट किसने खरीदे देखते हैं, ये एज इट इज़ हमारे क्लाइंट महाराज ने खरीदे 164,000। तो ये जो 164,000 क्लाइंट ने खरीदे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, आज इंडेक्स के कॉल इसमें 21,000 तो एफ आईज ने बेचे और 142,000 प्रो ने बेचे, मतलब कसाई ने 21,000 बेच दिया और डेप्यूटी कसाई ने 142,000, तो मुर्गा 164,000 पहन के गया, यानी कि इनके कॉल ये जीरो होने ऑलमोस्ट गारंटीड है। इंडेक्स पुट में भी 64,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी कि ये मिक्स टू बियरिश गए, मिक्स टू द बायस इज बियरिश बट थोड़ा सा बुलिश भी बना के गया, लेकिन ओवरऑल दे आर बियरिश। अब आए थे ये पोजीशंस देख लेते हम लोग, क्लाइंट 105,000 पे थे, कल थोड़ा सा घटाए थे, आज एज इट इज रह गए, डीआईएस को कोई मतलब नहीं। एफआईस को देखिए 84 थे, कल घटाए थे इसलिए आज सुबह तेज खोला, लेकिन मैंने बोला था ये सिर्फ मोमेंटरीली तेज खोला, एज इट इज़ बना लेंगे, ये मैंने आपको ऑडियो में सुनाया और एज इट इज़ बन गया। देखिए सुबह इतना दिमाग लगा लेना, 84,000 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब आ जाइए प्रो को देखिए, प्रो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी शॉर्ट काट के गया, बस और कुछ नहीं। इंडेक्स कॉल में देखते हैं, क्लाइंट के पास डे बिफोर यस्टरडे 42,000 शॉर्ट थे कॉल में, कल 94,000 शॉर्ट थे और आज ये शॉर्ट कवर करके उसने 70,000 कॉल प्लस कर लिया, ऐड कर लिया, पॉजिटिव में आ गया 70,000, तो ये 70,000 इसके पूरे पैसे डूबेंगे। एफआईज ने अपने कॉल बेच के 153,000 से 131,000 कर लिए, अच्छी बात है, यानी कि बियरिश। ओ हो, इनको देखिए प्रो को, 69,000 शॉर्ट थे कॉल में, 60,000 शॉर्ट थे कल और आज 202,000, तो ये मार्केट को कोई हालत में बढ़ने नहीं देंगे। ये जो छोटे कसाई है वो मार्केट को ऊपर जाने की तरफ जैसे ही जाएगा उसकी टांग खींचेंगे, आप समझ लीजिएगा छोटे कसाई। अब आ जाते पुट, पुट में देखिए क्लाइंट के 268,000 शॉर्ट थे कल, खाली 75,000 ही शॉर्ट थे और आज इन्होंने हिम्मत करके सीधा 195 शॉर्ट आ गए, 195,000 195,000 शॉर्ट्स, मरने का पूरा तैयारी है इनका। और इधर देखिए एफआईएस को 203,000 थे दो दिन पहले, कल 184,000 थे और आज 240,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के लॉन्ग है, 240,000। और प्रो 124,000 शॉर्ट है, लेकिन प्रो यहाँ पे कॉल में देखिए 202,000 शॉर्ट है, तो प्रो का इंक्लिनेशन कॉल को लूटने का रहेगा ना कि पुट को, ठीक है। और ये स्टॉक फ्यूचर है, इसमें क्लाइंट तो ऐसे ही रहते हैं, 10,00,000-9,00,000 ऐसे ही रहते हैं। मेन एफआईएस ने आज यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किया अपने, अच्छी बात है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ क्लियर कट बियरिश सिनेरियो, टुमोरो में बी द डे वेयर वी कैन सी 17,400 ऑन द स्क्रीन, 400 to 500 कल आपको देखने मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये डाटा बता रहे हैं। दैट्स इट,
जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, गणपति बप्पा मोरिया।